ください。अरे ये अंगूठी तो तुम्हारी उंगली में आ ही नहीं रही है, कब इतनी बड़ी हो गई तुम? जब आप पैसे कमाने की होड़ में लगे थे तब, जब आपका अपनी बच्ची की ओर ध्यान ही नहीं था तब। मैं समझ सकता हूं कि इस पूरी दुनिया की तरह आप भी अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने में व्यस्त हैं। क्या फायदा ऐसे पैसे का जो इंसान से उसकी खुशियां ही छीन ले। आपकी सबसे कीमती वस्तु है आपका समय, और वो तो आप अपनी बच्ची को दे ही नहीं पा रहे हैं। आप अपनी बेटी को कीमती वस्त्र, हीरे मोती जवाहरात, धन दौलत, घर बाहर कुछ भी दे दें, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपके साथ बिताया समय, और वो आपसे बस यही चाहती है। उसे सोना नहीं, समय दीजिए आप। साईं, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने नहीं, ये सीख आपको आपकी बेटी ने दी है। अपने पिता को पुराने रूप में पाने के लिए परी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उस मालिक ने आपको इतनी योग्य संतान दी है, शुक्रिया अदा कीजिए उसका। और समय बिताइए अपनी बेटी के साथ। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। आप दोनों बाप बेटी के प्यार में मैं इतनी खो गई कि आज तो आई मेरी खबर ले ही लेंगी। मैं चलती हूँ साईं। अच्छा साईं, हम चलते हैं। राम जी भला करे। अच्छा सुनो, क्या आप मुझे अपना सुई धागा दे सकते हैं? साईं, सुई धागा क्यों मांग रहे हैं? जरूर साईं। ये लीजिए साईं। शुक्रिया। क्या हुआ, किस सोच में खोए हो तात्या? क्या बात है तात्या? आपकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया था साईं। अभी अभी जो आपने परी के बाबा से कहा, उसके बाद अब मुझे अपराध बोध होने लगा है। पिछले कई हफ्तों से अपनी अज्जी आई बाबा को सिद्ध करके दिखाना चाहता था कि मैं जिम्मेदार हो गया हूँ, अच्छा व्यवसायी बन गया हूँ, और इस चक्कर में मैंने अपनी अज्जी को अकेला छोड़ दिया। घर की साफ सफाई करके, घर के कपड़े लत्ते धोकर, घर का खाना पकाकर मुझे लगा कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, जबकि मुझे उनके साथ समय बिताना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा तात्या, इसलिए अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। जाओ, घर जाओ। जी साईं। अच्छा सुनो, ये ले जाओ अपने साथ,
सुई धागा, ये क्यों? रख लो, क्या पता कब किसे इसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है साईं, चलता हूँ साईं। राम जी भला करे। तुलसा, मेरे घर। डरो मत, चलो आओ, आ जाओ, आ जाओ भाईजा, संभाल के आ जाओ। आई, खुश रहो। वो तात्या के बाबा को कुछ काम आ गया है, इसलिए वो वहीं रुक गए हैं। ये आये तुलसा है। तुलसा, नाम सुना सुना क्यों लग रहा है? आई, मैं आपको सब बताऊंगी। हाँ, वो हाथ मुंह धोले, मैं खाना लगाती हूँ। जी आओ तुलसा। हुँ? आ जाओ, आ जाओ, डरो मत, आओ। देख रही है आई, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत दुख हुआ इसे देखकर, और चिंता भी। ससुराल और मायका दोनों ने ऐसे बुरे समय में इसका साथ छोड़ दिया, इसलिए मैं इसे यहां ले आई। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती क्या बीत रही होगी इस पर। हाई, और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अधिकतर लोगों की सोच और मानसिकता यही होती है कि बहन और बेटे की शादी करवा दी तो हो गए सारी जिम्मेदारियों से मुक्त, फिर चाहे वो जिए मरे जो करना है करे, बस अपने घर में। और ये भी तो हो सकता है कि उसका भाई भी ऐसी सोच रखने वाला इंसान हो। वो सब ठीक है, वो क्या है ना कि गांव में उल्टी सीधी चीजें बहुत हो रही है और हमारा गांव इससे छूटा नहीं है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है शिरडी में? मत पूछ भाईजा, तेरे जाने के बाद गांव में ना डायन आई थी। डायन? आप भी ना आई मजाक करती हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ भाईजा। वो हमारी पड़ोसन है ना जानकी, वो मुझे बता रही थी गांव में ना उल्टी सीधी घटनाएं हो रही है। अब मैं तो बची रही क्योंकि मैंने उसे आज तक देखा ही नहीं। और हैरान तो तू तब होगी जब तुझे ये पता चलेगा कि वो डायन आई किसके घर पे थी। किसके घर? वो अक्का? सुई धागा मिलेगा? सुई धागा किस लिए? माला बनानी है, देती हूँ। इसे इतनी रात की सुई धागे की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे बताया तो सही उसने, माला बनानी है। पर इतनी रात माला क्यों बनानी है? तुम्हें पक्का विश्वास है ना ये औरत खतरनाक नहीं है? ठीक आई, ये डायन काला जादू सिर्फ बातें होती हैं, कोरी कल्पना लोगों की, जिसे सुनकर ना आपके दिमाग में शक घर कर गया है। ये तुलसा मुझे भली औरत लगती है, बस समय की सताई हुई है। उसमें एक मासूमियत दिखाई देती है जो उसकी आंखों से झलकती है। यही तो रखा था सुई धागा, पता नहीं सारी चीजें कहां आगे पीछे हो जाती है।
अब मुझे कुछ मत कहना। मैंने तेरी एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया। तात्या ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। यहाँ तक कि मैं खाना भी खाती थी ना, मेरी जूठी थाली वो ही उठाता था। उसने कर दिया होगा इधर उधर कुछ। मैंने क्या इधर उधर कर दिया जी? इतनी देर लगा दी आने में, तेरी आई कब से तेरी राह देख रही है तात्या। आई कैसे हो तुम? माँ की याद आई भी या नहीं? हाँ, उसे फुर्सत मिले याद करने की तो ही याद करे ना। वो कितना काम करता है हमारा तात्या, घर की बाहर की सब जिम्मेदारियां इसने निभाई है। और मेरा बड़ा बेटा कैसा है? अच्छे से है, आप जैसे छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसे, रहस्यमय, ना समझ आने वाली बातें करते हैं। अभी उन्हीं से मिल के आ रहा हूँ, ये देखो सुई धागा दे दिया। ये ले जाओ अपने साथ। सुई धागा? ये क्यों? क्या पता कब किसे इसकी जरूरत पड़ जाए। साईं को सब पता है कि कब किसकी कैसे मदद करनी है। देखा आई, साईं ने दिया आई, मतलब साईं चाहता है कि हम तुलसा की मदद करें। अब तो आपके मन में कोई डर नहीं है ना, चिंता नहीं है ना आपको? अच्छा दे, मैं दे देती हूँ उसे। तुम माँ बेटा बहुत दिनों के बाद मिले हो, खूब सारी बातें करो बैठ के। वैसे भी हमारे तात्या को कहाँ फुर्सत है बात करने की, है ना? आजी आप भी जल्दी आइए, काम के कारण बहुत दिनों से आपसे भी बातें नहीं की है ना। आज हम सब रात भर बैठ के बातें करेंगे। रक्षाबंधन आने वाला है, सोच रहा हूँ इस साल अपनी बहन को अपने घर लेके आऊँ। अच्छी बात है, इस साल मेरी बहन भी आ नहीं सकती, तो मैं खुद होके आता हूँ और कुछ तोहफा भी ले जाता हूँ, है कि नहीं? बात है मालसापति जी, आज बहुत देर कर दी आने में। साईं आप बहुत थके दिख रहे हैं, क्या रात भर ठीक से सो नहीं पाए? तात्या की शादी की उम्र हो गई है क्या आई? कुछ भी, छोटा है वो अभी। माँ के लिए बच्चा हमेशा छोटा ही होता है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कहती हूँ बहुत समझदार हो गया है वो। उसने तो मेरे कपड़े तक धोए, हालांकि कपड़े थोड़े मैले रह गए थे, लेकिन इसकी उम्र में तो तेरे पति को कपड़े टांगने तक भी नहीं आते थे। आप भी ना आई, वैसे देखा जाए तो उन्हें आज भी कपड़े सही से टांगने नहीं आते। तुलसा, हाँ? कपड़े यहाँ क्यों टांग रही हो? बाहर जगह नहीं बची। पूरा आंगन पड़ा है, जगह कैसे नहीं बची? मानना पड़ेगा तुलसा, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ताकत है। हाँ? सच कह रही हो बायसा? इसने महीने भर के कपड़े एक ही दिन में धो दिए।
कर्तव्यों की पूर्ति ऐसे ही करते रहिएगा, अपने दायित्वों को ऐसे ही निभाते रहिएगा। दीप प्रज्वलित क्यों नहीं हो रहा है मुझसे? अभी तक पूजा शुरू नहीं हुई। साईं वो दिया मल्हारी, दिया तुम जलाओ। मधुराया तव शरणम, मधुनाथा तव शरणम, मधुराया तव शरणम, मधुनाथा तव शरणम, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणम, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणम, शाश्वतमूर्ते तव शरणम, दीपसुन्दरा तव शरणम, पञ्चानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणम, पालका तव शरणम, दक्षता तव शरणम, वत्सला हूँ। आप इतने दिनों बाद लौट आई तो सोचा आपसे मिल लूं। ये लड्डू लाई हूँ आपके लिए। अरे वाह, और ये क्या, आते ही आपने घर में सफाई अभियान शुरू कर दिया। किसी को ले आई हो क्या अपने साथ काम करने के लिए? अरे नहीं नहीं, ये यहाँ कहीं मैं फिर से शिरडी में तो नहीं आ गई? तुलसा ताई, तुम जानते हो तुलसा को? हाँ, ये मालसापति जी की बहन है। मालसापति जी ने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया। ए देवा, मालसापति की बहन तो डायन थी, वो डायन मेरे घर में? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। हाँ मत डरो, साईं से मुझे इस विषय पर बात करनी होगी। तुम आओ मेरे साथ, आओ अंदर आओ, चलो आ जाओ, कुछ नहीं होगा, आ जाओ, मैं हूं। हे भगवान, ये डायन वापस से गांव में आ गई।
बाहर तो कोई नहीं है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। साई, 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 साई। मैंने कहा था ना, सब कुछ उस मालिक की मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से नहीं। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हमारी क्या योजना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साई, लेकिन दादा को मुश्किल हुई तो? महालसापति जी की फिक्र तुम मत करो, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें दृढ़ रहना होगा, तुम्हें संकल्प लेना होगा। इसके अलावा कोई और भी बात है? साई, वो माला बनाई थी, लेकिन कुछ ही शंख बाकी है माला बनाने में। पूरी माला नहीं बन रही, शंख खत्म हो गया। सर, सरकार, मालसा पति ने आपके डर के कारण उस डायन को जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन उस बायजा ने उसे शिरडी ले आई और अपने घर पे ही रखा हुआ है। हरियो, एक तीर से दो निशाना, मालसा पति और बायजा। अंता, तुम सा को उठा के लेके आओ, अगर नहीं माने तो घसीटते हुए लेके आना उसे, और गांव वालों को बोल देना कुलकर्णी सरकार ने बुलाया है सबको। हरिओम। जी सरकार। इससे बचने का एक ही विकल्प है, डायन को पत्थर मार मार कर मृत्यु दी जाए। साई, साई, वो अंतापंता तुलसा को ले गए।